आपकी ही वायरिंग में फॉल्ट है, बस उसे ही ठीक करना है। सिकंदर नहीं जीतता था, उसका आत्मविश्वास जीतता। इसलिए बिना सोचे समझे पत्थर पर चोट कभी ना मारे, हमेशा मन की आवाज सुनना, क्योंकि दुनिया की सुनोगे तो किसी भी मकाम पर पहुंचोगे नहीं। आत्मविश्वास से भरे आचार्य चाणक्य की एक ललकार सुनकर सिकंदर के हौसले पर बस आपका ट्रांसफॉर्मर ही बंद है, इसलिए शायद अंधेरा है। और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, आखिर में जीत आपकी ही। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, आज बात करूंगा आत्मविश्वास यानी कि विल पावर। हमेशा याद रखना कि युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते और सैनिक जीतते भी नहीं है, जीतती है उनकी विल पावर, और विल पावर के बल पर ही वो लड़ते हैं। सिकंदर नहीं जीतता था, उसका आत्मविश्वास जीतता था, और वे ही राजा महाराजा लोग उससे हारे जिनके पास आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास से भरे आचार्य चाणक्य की एक ललकार सुनकर सिकंदर के हौसले पस्त हो गए। हुआ कुछ ऐसा था, सिकंदर के आक्रमण की बात सुनकर ढेरों स्त्रियां और बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय के भवन में जा छिपे। अब सिकंदर भी यहां आ पहुंचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि भवन की ईंट से ईंट बजा दो, और यहां उसका सामना हुआ आचार्य चाणक्य से। द्वार पर चाणक्य अड़िक चट्टान की भांति खड़े थे। वे ललकार कर बोले, क्या विजय की कामना रखने वाला सिकंदर स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने आया है? जाओ, वीरता दिखानी है तो रणभूमि में जाओ। और सिकंदर भौचक्का रह गया। जिसका नाम सुनकर लोगों की घिग्गी बन जाती थी, उस महान सिकंदर को एक ब्राह्मण ने ऐसी फटकार लगा दी, इसमें साहस था इतना। मगर चाणक्य ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ऐसा कर दिखाया और सिकंदर को अपना घोड़ा मोड़ना पड़ा। शायद उस दिन पहली बार उसके मन में विचार आया होगा कि हिंदुस्तान को जीतना मुश्किल है, जीत कायरों पर हासिल होती है, आत्मविश्वास से भरे वीरों पर नहीं। असंभव को संभव बनाने वाले लोगों ने इतिहास रचे हैं। कोलंबस ने अमेरिका खोजा, रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की, आत्मविश्वास के बल पर ही पहली बार समुद्र तल में मैगलेन पहुंच गए, अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, महात्मा गांधी, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। ध्यान रहे, इन्होंने जो भी खोजें की, जो भी क्रांति की, या जितने भी वैज्ञानिक शोध किए, ये सब उस जमाने की बातें हैं जब आज जैसी फैसिलिटी नहीं थी, इंफॉर्मेशन के प्रॉपर साधन नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। यह भी याद रखने वाली बात है कि ये लोग धन से धनी नहीं थे, कोई पैसा वैसा इनके पास नहीं था, बल्कि ये लोग विल पावर के धनी थे। अंतरिक्ष या पाताल तो छोड़िए, लोगों को धरती का ही ठीक से नहीं पता था। दुनिया के लिए एक रहस्य थी दुनिया, जब तक कॉपरनिकस ने सौर मंडल से हमारा परिचय नहीं कराया। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास में प्रबल शक्ति है। जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं, वह जीत भी कैसे सकता है? मैं हारूंगा, ऐसा कहने वाला इंसान क्या कभी जीत पाएगा? वह तो हारा ही पड़ा है, उसे बस खेल की औपचारिकता पूरी करनी है। साथियों, दुनिया में जिन भी लोगों ने सफलता को छुआ है, उन सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उन्हीं के लोग खड़े थे, जो चीख चीख कर कह रहे थे तुमसे ना हो पाएगा। जब कोलंबस ने बीड़ा उठाया, शुरू शुरू में लोगों ने पागल कहकर मजाक बनाया, अपने ही घर वाले मजाक बनाते रहे, पर वो आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने मन की सुनी और निकल पड़ा अपने अभियान पे। आज उसका नाम विश्व इतिहास में अमर है। एक बात तो तय है कि लोगों की परवाह करने वाले कहीं के भी नहीं रहते। एक बहुत पुरानी लेकिन एक शानदार कहानी यहां आपको सुनाता हूं। एक बार एक पिता पुत्र कहीं से घोड़ा खरीद कर ला रहे थे। लड़का छोटा था, यही कोई 12-13 साल का रहा होगा। गर्मी का समय था, दोनों बाप बेटे घोड़े की रास पकड़कर पैदल पैदल चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पिता ने सोचा कि लड़का थक जाएगा, उसे घोड़े पर बिठा देना चाहिए। उसने लड़के को घोड़े पर बिठा दिया। कुछ दूर जाकर उन्हें दो यात्री दिखाई दिए। एक ने कहा, कैसा नालायक बच्चा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लड़का स्वाभिमानी था, उसे ये बात चुभ गई। वह फौरन घोड़े से उतर गया और बोला, पिताजी आप बैठिए। पिता ने पुत्र की भावना को समझा और घोड़े पर बैठ गया। लड़का अब पैदल चलने लगा। आगे जाने पर कुछ और महारथी लोग मिले। बोला, कैसा संगदिल बाप है, छोटे से नाजुक बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद लाड साहब बना घोड़े पर बैठा है। अब पिता की गैरत को धक्का पहुंचा, सोचा कि बात तो ठीक है, वह भी घोड़े से उतर कर
पैदल चलने लगा और आगे चलने पर एक और टोली मिली। मजाक उड़ाते हुए बोली, कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। यह बात भी ठीक थी। पिता ने पुत्र से कहा, चल बेटा, दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। अब कुछ दूर चलने पर किसी ने कहा, अरे इस घोड़े को मारने का इरादा है क्या? इतनी गर्मी, इस मरियल से घोड़े पर दो दो सवार, अत्याचार की भी हद है। अब बाप और बेटा दोनों घबरा कर घोड़े से उतरे, एक पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करें, दुनिया तो किसी हाल में जीने नहीं देगी। पिता समझदार था, सारी सिचुएशन पर गौर करने के बाद बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा आज से एक बात गांठ बांध लो, हमेशा मन की आवाज सुनना, क्योंकि दुनिया की सुनोगे तो किसी भी मकाम पर पहुंचोगे नहीं। यहां जो बात एक की नजर में सही है, दूसरे की नजर में गलत हो जाती है, इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। घोड़े पर हम दोनों बैठे, इससे घोड़े को ऐतराज नहीं मगर लोगों को ऐतराज है। चल घोड़े को पानी पिलाकर ताजा कर लें, हम दोनों इस पर बैठकर चलें। और उन्होंने ऐसा ही किया, घोड़े पर बैठकर उसे सरपट दौड़ा दिया। ना दुनिया की तरफ देखा, ना उनकी कोई बात सुनी, बस अपनी मंजिल पर नजर रखी और दो घंटे बाद अपने घर पर पहुंच गए। यही बात आज समझने वाली है, ये दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देगी, इसलिए मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, आखिर में जीत आपकी ही हो। इसके लिए सबसे पहले उस शक्ति को जगाना होगा जो हमारे अंदर है पर सो चुकी है। इसके लिए भगवान पर विश्वास करें, यदि नास्तिक भी हैं तो भी उस शक्ति पर विश्वास करें जो सारे संसार सारे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसके हुक्म से हवाएं चल रही हैं, सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है, जिसने बिना सहारे के आसमान को सबके सिर पर स्थिर किया हुआ है। इस बात को मान लें कि कोई सुप्रीम पावर है जिसने हमारे दिल में एक पावर स्टेशन बनाया हुआ है, बस कई लोगों ने उस स्टेशन का स्विच ऑफ कर रखा है। पीछे से सप्लाई पूरी हो रही है, सभी को बराबर पावर मिल भी रही है, बस आपका ट्रांसफॉर्मर ही बंद है, इसलिए शायद अंधेरा है। और जिन्होंने अपने पावर स्टेशन का स्विच ऑन किया हुआ है, उनकी जिंदगी में रोशनी की कोई कमी नहीं है, पूरे इलाके में एक समान बिजली की सप्लाई हो रही है, कॉलोनी का हर घर रोशन है, मगर आपके घर में अगर अंधेरा है तो दोषी कौन है? बिजली विभाग नहीं, आपकी ही वायरिंग में फॉल्ट है, बस उसे ही ठीक करना है। अधिकतर लोग इसलिए दबी और कुचली जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि वे अपॉर्चुनिटी को पहचान कर भी ढीले ढाले बने रहते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं और मिला हूं जिनका जीवन बिना किसी चप्पू पतवार के चल रहा है। साथियों देखो, दिमाग में अगर कोई ठोस प्लानिंग ना हो, हाँ, अगर संगमरमर के पत्थर से आप मूरत निकालना चाहते हैं तो आपकी एक गलत चोट से पत्थर का आकार बिगड़ जाएगा अगर चोट बिना सोचे समझे मारेंगे। इसलिए बिना सोचे समझे पत्थर पर चोट कभी ना मारें। कुछ लोगों को लगता है कि पत्थर पर दिन भर चोट मारते रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। ये स्टाइल ही गलत है। इससे अच्छा है कि औजार साइड पर रख लें, कुछ आराम करें और सोचें कि इस पत्थर से मूरत क्या निकालनी है, फिर चोट मारें। साथियों जब विजन क्लियर होगा तो पत्थर में से वही मूरत निकलेगी जो आप चाहते हैं। इसलिए कहता हूं कि आत्मविश्वास रखें, विल पावर रखें और दुनिया जीत लें। जय हिंद।